हेलो दोस्तों, और आज हम शुरू करेंगे चैप्टर टू ऑफ एनसीईआरटी फाइनेंस जो हम कवर कर रहे हैं प्लस वन की। इसके पहले जैसे हम चैप्टर टू शुरू करें, मैं चाहता हूँ आपको कुछ ये मैप दिखाना, ये आपकी बुक में जो प्रिंटेड है। तो यहाँ पर एक चीज़ देखो, ये जो अपने कंट्री में आज की देश में जो अभी आज के उसमें दिन में देखें तो ये एक पर्टिकुलर जगह दिख रही है आपको, ये सुरकोतड़ा है ना। सुरकोतड़ा ये अभी हमारे देश में वेस्टर्न मोस्ट एक ऐसी जगह अवेलेबल है जो हमारे देश में अभी है, जो कि इंडस वैली का पार्ट थी। अदरवाइज अगर आप ओवरऑल देखो तो ओवरऑल ये कागेंदोर और या फिर सोक तको ये जगहें हैं, ये थोड़ा दिमाग में रखना, ये वेस्टर्न मोस्ट इनका ऐसी जगहें हैं जहाँ पर इंडस वैली नज़र आती है, ठीक है। ओके, तो बस ऐसे ही आपको मैंने सोचा बता देते हैं, और क्योंकि इनके बारे में आपको सवाल पूछे जा सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम चैप्टर टू शुरू करते हैं। यहाँ पर देखो, चैप्टर टू में एक पर्टिकुलर कुछ चीज़ें यहाँ पर जो फोकस करने वाली हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन की आर्ट पे फोकस करता है ये, कि आर्ट के बारे में बात करें अगर तो कौन सी चीज़ें यहाँ मिलती हैं, जैसे स्कल्पचर, सील्स, पॉटरी, गोल्ड ज्वेलरी, टेराकोटा फिगर्स। टेराकोटा क्या होता है, जैसे जो क्ले में बनाई जाती हैं चीज़ें और उसके बाद अगर उनको बेक कर दिया जाए, और बेक करने के बाद उस पर ग्लेज्ड एक इमेज भी बन सकती है, ग्लेज्ड या अनग्लेज्ड कुछ भी रह सकता है वो, तो अकॉर्डिंगली इट कैन बी बोथ। जो ग्लेज होते हैं थोड़े से उनमें शाइन बढ़ जाती है, और क्योंकि जैसे जो क्ले से बनाने का बेक करने के बाद जो चीज़ें निकल के आती हैं उनको टेराकोटा फिगर्स कहा जाता है। तो यहाँ पर बहुत सारी जो बात की गई है कि कौन सी चीज़ें हैं, तो अब यहाँ पर अदरवाइज उसके बारे में बताया गया है कि हड़प्पन जो सिटीज़ थी, जो इंडस वैली, वहाँ पर सिविक प्लानिंग हुआ करती थी, मार्केट, स्टोरेज फैसिलिटी, ऑफिस, पब्लिक बाथ, है ना। थोड़ा सा मेन्स ओरिएंटेड है ये। अब जगहों के नाम देखो, थोड़ा प्री ओरिएंटेड है ये। जो हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो अभी पाकिस्तान में है, ये दो जगहें हड़प्पा मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में, आपको मैच करवा सकते हैं ये। इंडिया में लोथल एंड धोलावीरा गुजरात, नोट करके रखो, ठीक है। राखी गढ़ी, अभी रीसेंट एक्सकवेशन भी चल रही है यहाँ पर हरियाणा, ये बहुत न्यूज़ में था, हिंदू में आपको बहुत सारे आर्टिकल्स दिखते हैं इसको लेके। रोपड़, इसको रूपनगर भी कहा जाता है पंजाब, एंड कलीबंगान एंड बालाथल राजस्थान। तो ये आपको जगहें मैच करवा सकते हैं क्योंकि बुक्स में लिखी हुई हैं ये, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ। और ये देखो, ये पर्टिकुलर एक ये बियर्डेड प्रीस्ट कहा जाता है, तो वैसे शक्ल थोड़ी मिलती है मोदी जी से, ऐसा कहा जाता है। तो ये पर्टिकुलर, अब इसके बारे में फोकस करें अगर, तो ये अब यहाँ पर एक चीज़ क्या निकली, जैसे स्टोन स्टैचुटरीज है ना, जैसे स्टोन स्टैचुरीज की जो स्टोन में बनी हुई चीज़ें उनके बारे में बात करते हैं। कि यहाँ पर देखो, एक जो एक पर्टिकुलर चीज़ है, एक तो है टॉर्सो। टॉर्सो मतलब जो अपर बॉडी पार्ट, जो अपर बॉडी होती है जो अपने पैरों से हाथों से ऊपर, तो उसके में रेड सैंडस्टोन में बनी हुई। और दूसरी एक और बर्स्ट ऑफ अ बियर्डेड मैन, वो किसमें, स्टेटाइट। स्टेटाइट भी अगेन आपके पास एक पत्थर का ही टाइप है। स्टेटाइट में सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉन्ट्रीब्यूशन हम पढ़ेंगे, कहाँ पढ़ेंगे, स्टेटाइट में सील्स बनती थी। सील्स जो स्टैंप होती है, जैसे स्टैंप लगाते हैं जैसे किसी चीज़ के ऊपर, तो सील बनती थी स्टेटाइट में, सबसे इंपॉर्टेंट जहाँ पर हम देखेंगे। उसके बाद यहाँ पर अब देखो, ड्रेप्ड इन अ शॉल, पता लगता है कि शॉल का भी यूज़ था। आगे हम पढ़ेंगे धोती वगैरह भी यहाँ पर थी, ठीक है। ओके दोस्तों, आगे प्रोसीड करते हैं। अब यहां पर एक आपके पास आती है बात ब्रोंज कास्टिंग की, ब्रोंज में भी चीजें बनाई गई। तो यहां पे ब्रोंज कास्टिंग कौन से टेक्निक में हो रहा है, लॉस्ट वैक्स। अभी तक ये पूछा नहीं गया है, ये मेंस में, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। प्री में भी ये पूछ सकते हैं, प्री के लिए लेकिन आसान सवाल हो जाएगा। लॉस्ट वैक्स टेक्निक में क्या होता है, सिंपल सी आपको चीज इमेजिन करनी है कि एक वैक्स की पहले मूर्ति बनाई जाती है, उस वैक्स की मूर्ति के ऊपर क्या करते हैं, क्ले लगा दी जाती है, उस वैक्स की मूर्ति के ऊपर क्ले लगा दी जाती है, और उसके बाद फिर फाइनली हल्का सा जब नीचे से वो क्ले में से नीचे छेद करके अब गर्म करते हैं उसको, तो वैक्स पिघल कर नीचे निकल जाता है। अब वो क्ले का खाली एक सांचा रह गया, एक मोल्ड रह गया क्ले का। अब उस क्ले के उस मोल्ड में जब मेटल पोर कर दिया जाएगा, तो मेटल वो वाली शेप ले लेगा जिसमें क्ले है। तो अब वो खाली जो खोखा है क्ले का, उसमें मेटल पोर करके पूरी एक मूर्ति बन जाती है, जिसको ब्रोंज हम क्या कहते हैं, स्कल्पचर्स कहते हैं, ब्रोंज स्टैचूज कहते हैं। तो अब यहाँ पे ब्रोंज स्टैचूज के लिए लॉस्ट वैक्स टेक्निक है। तो ये पीछे वैसे अंत के चैप्टर में हम कवर करेंगे लॉस्ट वैक्स टेक्निक। देखो, आज के ज़माने में जो वैक्स देखते हो, जो कैंडल्स में होता है, वो वाला वैक्स कहाँ से आता है, वो वाला वैक्स पैराफिन होता है, वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। तब तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट से नहीं, तो वैक्स कहाँ से आता था, ये वाला वैक्स था आपका जो हनी बी के कॉम से आता है। तो जो हनी बी का जो आपका जो छत्ता, मधुमक्खी का छत्ता होता है, उसमें से जो निकलता है वो वाला वैक्स है, उसी को यूज़ करते हैं ये। तो आपने ये भी आपको प्री में सवाल पूछ सकते हैं वैसे। और
यहाँ पे लॉस्ट वैक्स टेक्निक के बारे में बताया हुआ है चैप्टर के अंत में भी, जो हमने डिस्कस किया भी, और उसके अलावा अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि ह्यूमंस की फिगर भी बनाई गई है, एनिमल की फिगर भी बनाई गई हैं ये, और डांसिंग गर्ल की फिगर तो बहुत ही फेमस है एंड में आपको देखोगे भी। और यहाँ पे अगर आगे करें तो ब्रोंज कास्टिंग के बारे में बात करते हैं। ब्रोंज कास्टिंग वो कह रहे हैं थ्रू आउट जो अपने बहुत ही इंडस वैली सिविलाइजेशन में बहुत ही फेमस है, पॉपुलर है बहुत ज़्यादा ब्रोंज की कास्टिंग करना। देखो ब्रोंज मिला हुआ उस ज़माने में, ब्रोंज एग्जिस्ट करता है, और कॉपर का डॉग लोथल में मिला जो बर्ड एट्सेट्रा एट्सेट्रा, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, इतना ध्यान नहीं दे सकते। और मेटल कास्टिंग की बात करें, अगर मेटल कास्टिंग एक कंटिन्यूअस ट्रेडिशन नज़र आता है, ऐसा नहीं है टुकड़ों में नहीं है, ये ऐसे सवाल यूपीएससी पूछते हैं क्योंकि ये थोड़ा कॉन्सेप्ट थोड़ा लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन है। और उसके बाद जो चालकोलिथिक साइट्स कौन सी हैं, दाइमाबाद महाराष्ट्र में, हमने मैप में भी देखा था, तो आप जाके क्विकली देख भी सकते हैं मैप में कहाँ पर है, ये देखो ये रहा आपका दाइमाबाद, तो ये इधर यहाँ पर ये चालकोलिथिक साइट है हड़प्पन कल्चर की। तो अब यहाँ पर आगे चले इसमें, और अब आगे प्रोसीड करते हुए यहाँ पर ये एक बार मदर गॉडेस है ना टेराकोटा में बनी है, और अदरवाइज एक दो चीज़ें साथ साथ में जो पिक्चर्स इमेजेस आते हैं देखते रहा करो। अब टेराकोटा की बात कर रहे हैं, टेराकोटा मैंने आपको बताया कि क्या होती है, बेक्ड क्ले होती है, बेक्ड क्ले अगर इसको डिपेंड करता है किस तरह से बेकिंग की जा रही है उसके हिसाब से उसमें शाइन आएगी, ग्लेजिंग होगी या नहीं होगी, और उसके बाद और चमकाते हैं तो फाइंस बन जाती है, तो जो भी छोटी छोटी चीज़ें हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो अब यहाँ पर ये क्या बोल रहे हैं कि टेराकोटा रिप्रेजेंटेशन जो है ये किस में, ये क्रूड फॉर्म में है, ये इतनी कोई फाइन फॉर्म में नज़र नहीं आती, और ये लेकिन गुजरात में देखो या कलीबंगान कहाँ था दोस्तों, राजस्थान में, अभी आपने पढ़ा पीछे, तो यहाँ जाके देखते हो तो आपको ये थोड़ा रियलिस्टिक नज़र आती हैं और बेटर उतरी आती हैं हड़प्पन कल्चर से, जैसे थोड़ा सा हम जैसे आगे की तरफ मूव करते हैं। और मदर गॉडेस की बात करी हमने, और बियर्डेड मेल्स भी वो कह रहे हैं कि बियर्डेड मेल्स भी यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद वो क्या है, यहाँ पर एक और जो आपके पास जो चीज़ जानने वाली क्या है कि जो चीज़ों की जैसे रेपिटेशन ऑफ फिगर्स हो रही है, जो भी बनी हुई चीज़ें उनको रिपीट किया जा रहा है, और जैसे जो मान लो कि एक मान लो मदर गॉडेस की देखो मूर्ति, बहुत सारी सिमिलर सी मूर्तियां निकली मदर गॉडेस की, तो ऐसा शायद लगता है कि शायद ही भगवान थे कि उस वक्त मूर्ति बना के लोग उनकी पूजा कर रहे थे, तो इसलिए रेपिटेशन ऑफ अगर एक पर्टिकुलर स्टाइल हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो हमें दर्शाता है कि पक्का शायद डीटीज हो सकती हैं जिनकी पूजा की जा रही है। ओके, अब सील्स मतलब स्टैम्प्स, जो स्टैम्प्स लगती हैं मैंने आपको बताया था अभी, स्टेटाइट से बनाती है, अदरवाइज और भी जो तरह के जो स्टोन अवेलेबल है, अगेट चर्ट कॉपर फाइंस सबको बताया था मैंने, एक चमकदार एक पत्थर की बात हो रही है, और टेराकोटा उनकी सबकी चीज एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन स्टेटाइट सबसे कॉमन है, प्री में सवाल आ सकता है। और इसके सिवा जैसे एनिमल्स की फिगर बनी है वहाँ पर बहुत तरह की देखे रहे, और लेकिन कहते पर्पस क्या है वैसे इसका, जो सील या स्टैम्प बनाने का जनरली कॉमर्शियल, कि स्टैम्पिंग हुई हुई है ये चीज़ कहाँ से आई है, ऐसे हमें एविडेंस मिले, हम आपने पढ़ा होगा जो प्लस वन की जो तमिलनाडु की जो तमिलनाडु वाली जो किताब है हिस्ट्री की, उसमें लिखा भी हुआ है कि जो इवन की ओमान बहरेन ऐसे ऐसी जगहों पर भी इंडियन जो सील्स मिली हैं वहाँ पर, कि इंडियन स्टैम्प्ड प्रोडक्ट्स मिले हैं, कि वहाँ पे इंडिया की चीज़ों की स्टैम्प लगी हुई थी, कहाँ से आई हैं, वो नाम अलग था, इंडिया नहीं बोलते थे नेचुरली, कुछ और बोलते थे। तो और उसके बाद यहाँ पर सील्स के और आपको बेनिफिट बताए गए हैं कि ना, ये जैसे लोग अपने गले में लटका के एम्यूलेट क्या होता है, जैसे गले में लटका के जो गले में जैसे आजकल देखते हो आप, एक रिवाज है कि गले में एक वो मेटल का लटकाया होता है जिसमें लिखा होता है नाम पता ये वो, तो जनरली वो US आर्मी से शुरू हुआ था, लेकिन अभी वो एम्यूलेट होता है, लेकिन एम्यूलेट तो पुराना रिवाज है, और गले में ऐसे छोटा सा एक मेटल की कोई चीज़ लटका लेते हैं स्क्वायर या फिर जो रेक्टेंगुलर, जिससे ऐसे माना जाता है कि बुरी जो चीज़ों को दूर रखता है वो, एम्यूलेट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि मॉडर्न डे आइडेंटिटी कार्ड्स भी हों, जैसे गले में लटका के घूम रहे हैं लोग, कि मॉडर्न डे आइडेंटिटी कार्ड, उसमें आपका नाम वगैरह लिखा हुआ है और किसी की स्टैम्प भी लगी हुई है। और ये जो आपका जो किससे बनते थे जनरली, लिखा हुआ यहाँ पे सॉफ्ट रिवर स्टोन स्टेटाइट, उससे बनाए जाते थे, और कहते कुछ तो वैसे गोल्ड एंड आइवरी में भी हमें सील्स मिली हैं, ठीक है, ओके मिली हैं, बहुत अच्छी बात है। तो अब यहाँ पर अब कुछ जो यहाँ पे कह रहे हैं कि जैसे जो एक बहुत ही रिमार्केबल सील है वो ये देखो, ये है पशुपति सील। पशुपति सील क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक जो बीच में जो बैठे हैं भगवान या डीटी जो बैठे हैं, तो इसके आसपास बहुत सारे यहाँ पर पशु हैं, और इसीलिए पशुपति सील इज़ अ वेरी फेमस सील विच हैज़ बीन फाउंड। और ये कई स्कॉलर्स इनको फीमेल डीटी की तरह मानते हैं, और ये ह्यूमन फिगर बैठी है क्रॉस लेगेड, और आसपास बहुत सारे जानवर हैं, और ये इसकी डेट भी पता लगती है हमें कुछ इतने से इतने सेंचुरीज के बीच में हो सकती है। अब आगे अगर बात करें यहाँ पर, तो
तो यहाँ पर एक बात देखने वाली है, जैसे जो कॉपर कॉपर टैबलेट्स हैं, जैसे कॉपर टैबलेट्स मतलब ये कहते हैं कि बहुत ही लगता है कि बहुत ही ब्यूरिन से किसी खास तरह से काटी गई हैं, केयरफुली काटी गई हैं। ब्यूरिन क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा ना, जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कि एक पत्थर पर वो तराश रहे होते हैं, जो पत्थर पर जैसे वो लगा के बैठे होते हैं, जो जो चीज़ें लगा के बैठे होते हैं, जिसको जिसको पीछे हथौड़े से पीटते हैं तो पत्थर को तराशते रहते हैं, ऐसे ही उसको उसको ब्यूरिन कहते हैं, क्योंकि उससे उससे ग्रेजुअली जो थोड़ा सा थोड़ा करके पत्थर तोड़ते हैं। वो कह रहे हैं जो कॉपर की जो ये प्लेट्स जो हैं, जो लगता है जैसे एमुलेट्स हैं, मैंने आपको बताया एमुलेट क्या होते हैं, गले में लटकाते हैं, तो ये लगता है ब्यूरिन से काटी गई हैं, तो मतलब ब्यूरिन का भी वहाँ पे यूज़ बताया गया है। और उसके बाद यहाँ पर देखो, अनलाइक इंस्क्रिप्शन ऑन सील्स, ये जो इंस्क्रिप्शन ऑन कॉपर टेबलेट्स ये क्या है, ये एनिमल्स के साथ पोट्री की जाती हैं, और अदरवाइज सील्स वगैरह पर अलग तरह से, एंड जो एमुलेट जैसे कि शायद की तरह जो यूज़ होती है उसमें थोड़ा डिफरेंट तरह का यूजेज नज़र आता है, कोई खास बात नहीं है, मेंस में ज़्यादा काम आएगी, लेकिन अभी आपको बस थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी का कुछ नहीं पता कि कब कौन सी बात कैसे पूछ ले। ओके, अब आगे पॉटरी, पॉटरी की बात करते हैं, तो अब यहाँ पे पॉटरी में क्या बोल रहे हैं कि देखो प्लेन पॉटरी बहुत ज़्यादा कॉमन है, और लेकिन रेड क्ले से जो बनी हुई, और जैसे उसमें कुछ ऐसे कुछ और कुछ खासियत नहीं है कि सिर्फ उसमें कुछ और कुछ सामान डाल के उसमें कुछ और उसको तराशा गया हो, ऐसा कुछ खास नहीं है, लेकिन कई बार आपको यहाँ पे BPW जिसको क्या बोलते हैं ब्लैक पेंटेड वेयर भी मिलती है, तो लेकिन इसमें ग्लॉसी ब्लैक है, लेकिन ये इतनी कॉमन नहीं है। पॉलीक्रोम मतलब कि बहुत सारे कलर्स की जो पॉटरी, वो तो बहुत ही रेयर है, और इसीलिए ये तो बहुत ही कम जगहों पे मिलती है, हो सकता है कि शायद ही सिर्फ अमीरों के पास हो, ऐसा श्योर नहीं है, लेकिन हम पढ़ते हैं जैसे बाकी बुक्स में वहाँ पे लिखा गया कि शायद ही सिर्फ और सिर्फ दिखाया गया है कि क्लास डिफरेंस है, कि अमीरों के पास ही है सिर्फ ये, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर एक इंसाइज्ड वेयर, जैसे जिसमें होता है ना, जैसे आपने देखा हो कि जैसे लेट्स से कि अगर पॉटरी है तो उस पे कुछ काटा, ऐसे काटा गया होता है, ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके कुछ एंग्रेविंग्स की गई होती हैं, इंसाइज इंसीजन किए गए होते हैं, तो इंसाइज्ड वेयर तो वो कहते हैं और भी कम है, या फिर ऐसे कटी हुई पॉटरी तो ऐसे वाली कहते बहुत ही कम है, और शायद डेकोरेशन पर्पजेस के लिए ही लगती हो, और स्ट्रेट एंगुलर जो ग्रेसफुल कर्व्स जो हैं, ग्रेसफुल कर्व्स मतलब कि ऐसे हाँ के अच्छे कर्व्स वगैरह बढ़िया हैं, तो कहते रूल है, लेकिन अब यहाँ पे खास बात क्या है, मिनिएचर वेसल्स यहाँ पर जो कि बहुत छोटे छोटे, आधा इंच से भी कम, ये वाले मिलते हैं, और ये कह रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर बनाए गए हैं, मतलब कि जो उस वक्त के जो आर्टिस्ट थे तो कलाकार, ठीक है। ओके, अब आगे यहाँ पे जो बीड्स एंड ऑर्नामेंट्स की बात करें, अगर बीड्स एंड ऑर्नामेंट्स में, तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात जो जानने वाली है, ये दोनों ही मेल्स और फीमेल्स दोनों ही पहनते थे ऑर्नामेंट्स, सिर्फ ऐसा आपको ना एक बार ऑप्शन आई थी कि सिर्फ मेल्स पहनते थे, आपको लगता है कि हाँ शायद इतनी कोई अलग बात बोल रहे हैं तभी ही शायद लिखा गया है, लेकिन नहीं, दोनों पहनते थे, वॉर्न बाय बोथ द सेक्सेस, तो और विमेन क्या पहनती थी नहीं पहनती थी इतना जानना ज़रूरी नहीं है। तो उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें तो आगे ये जो लिखा हुआ है कि जो जगह का नाम लिखा हुआ है फरमाना, जो फरमाना में पता लगा कि डेड बॉडीज़ को जो ऑर्नामेंट्स के साथ ही दफनाया जाता था, ठीक है, ये हमें क्योंकि हमें जो बेरियल साइट्स हैं वहाँ से मिला। अब बीड इंडस्ट्री की बात हो रही है, बीड्स जो बीड्स बनाते हैं है ना, छोटे छोटे बीड्स बनाए जाते हैं जो कि जनरली ऑर्नामेंट्स की तरह यूज़ होंगे, जो जिनको पिरोया जाएगा मोतियों के जैसे, तो अब बीड्स की बात करें तो इसकी भी ये भी काफ़ी वेल डेवलप्ड थे, और फैक्ट्रीज वगैरह मिलती थी इनकी चनूदारों में, कहाँ कहाँ मिलती थी, चनूदारों भूलना नहीं है, लोथल, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ये, चनूदारों लोथल में आपको बीड इंडस्ट्री नजर आती है। यहाँ पे मैं अगर आपको लोथल के बारे में दो चार क्विक फैक्ट्स बताऊं, लोथल में हमें पहली बात, ये साइड में लिख के रखो प्लीज, ये पेपर में पहले काम आएगा आपको, बीड इंडस्ट्री मिलती है, सबसे पहली बात तो बीड इंडस्ट्री मिलती है। लोथल में हमें राइस हस्क मिला, ये आपने पढ़ा है तमिलनाडु की किताब में, राइस हस्क मतलब कि राइस यहाँ पर एग्जिस्ट करता था, राइस अदरवाइज और जगह पर नहीं मिला हमें, राइस हस्क। एंड उसके बाद यहाँ पर जो जैसे देखा गया आपने बहुत जगहों पर सीटाडेल्स होते हैं ना, सीटाडेल्स ऐसे शहर जिनके आसपास एक स्टोन की वॉल बनी होती थी, यहाँ पर जो एक जो सीटाडेल है इट इज़ नॉट वॉल्ड, सीटाडेल के आसपास वॉल की प्रोटेक्शन नहीं है, इट इज़ नॉट अ वॉल्ड सीटाडेल, ठीक है, वॉल जिसको दीवार बोलते हैं, वॉल्ड सीटाडेल एग्जिस्ट नहीं करता लोथल, इसलिए थोड़ा सा अलग तरह की चीज़ है, लोथल पर सवाल भी बनते हैं बहुत सारे, तो और इसके बारे में आप और भी जान सकते हैं। और यहाँ पर अब आगे बात करें तो बीड्स किससे बनती थी, बीड्स के बनाने की चीज़ें कौन सी, कॉर्नीलियन एट्सेट्रा एट्सेट्रा, और इवन की स्टेटाइट से बनती थी, लैपिस लजूली से बनती थी, लैपिस लजूली कहाँ से आता था ये भी जान सकते हो आप, अफगानिस्तान और उससे आगे से आता, और
और यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेटल्स भी जैसे कॉपर, ब्रोंज, गोल्ड, ये और जो फाइंस वगैरह भी होते हैं यूज़ बीड्स बनाने के लिए. तो जितना जानते हैं उतना कम है, बस थोड़ा सा आइडिया रखना कि बहुत वाइड वैरायटी ऑफ सामान यूज़ हुआ है और स्केल्स बहुत सारे यूज़ हुई हैं. ठीक है जी. अब यहाँ पे क्या बोलना कि जो हड़प्पन पीपल थे ये ब्रिलियंटली नेचुरलिस्टिक भी थे. एनिमल्स बनाए, मंकी, स्क्वेरल्स वगैरह बहुत कुछ इन्होंने बना दिया. अब इसी के यहाँ पर अपने जब ये कुछ ना कुछ सामान जब बना रहे हैं, कुछ मूर्तियाँ बना रहे हैं, बीड्स बना रहे हैं, तो बहुत तरह की चीज़ें बनाई इन्होंने. अब यहाँ पर आगे अगर एक फोकस करें टुवर्ड्स द लास्ट ऑफ द चैप्टर, तो यहाँ पर अभी देखो ये बात देखी है कि जो अपनी इंडस वैली है, इंडस वैली में कॉटन और वूल के वर वेरी कॉमन. कॉटन एंड वूल वर वेरी कॉमन. ये प्री का सवाल आ चुका है आपको कि कॉटन एंड वूल वर नॉट फाउंड. नहीं, दे वर फाउंड इन प्लेंटी. बहुत सारी कॉटन वूल थी यहाँ पर. और रिच और पुअर पीपल दोनों ही घर में स्पिनिंग किया करते थे. जैसे वो कहते हैं जो जो चरखा जो होता नीचे जो पहिया घुमाने वाला, जिसपे जैसे स्पिनिंग या वीविंग कुछ भी हुआ करता था, तो वो अब अमीरों के घर में एक्सपेंसिव फाइंस से बना होता था, गरीबों के घर में थोड़ा चीप पॉटरी या शेल से बना होता था. तो बस इतना फ़र्क है कि करते अपने अपना सामान सब लोग खुद बनाते थे, लेकिन अमीरों के घर में महंगे वाले थे, गरीबों के घर में छोटे थोड़े हल्के वाले थे, दैट्स इट. तो और देखो धोती वाइड स्प्रेड है, शॉल का यूज़ वाइड स्प्रेड है, ये बातें आपने भूलनी नहीं है. और उसके बाद अब हमें और क्या पता लगता है कि फ़ैशन को लेके दे वर वेरी कॉन्शियस. अब ये भी एक ऑप्शन आ चुकी है एक बार कि फ़ैशन को लेके दे वर नॉट कॉन्शियस एट ऑल. नहीं, दे वर कॉन्शियस. ठीक है, दे वर वेरी कॉन्शियस. और डिफरेंट हेयर स्टाइल्स वगैरह और बियर्ड रखना बहुत ही पॉपुलर था. और सिनाबार नामक चीज़, वैसे ये एक मरकरी से जुड़ी हुई एक चीज़ होती है, मरकरी से जुड़ा हुआ एक अपना मिनरल है. तो लेकिन ये लाल कलर का है, इससे सिंदूर बनता है सिनाबार से. तो सिनाबार को वाइडली यूज़ किया जाता है कॉस्मेटिक के लिए, फेस पेंट के लिए, लिपस्टिक के लिए. और कॉलीरियम मतलब एक वो आँखों में लगाने वाला जो अपने जो लोशंस होते हैं, तो आई लाइनर जैसे यहाँ लिखा भी हुआ है, तो ये भी वेल नोन थे यहाँ पर. और अब यहाँ पर और भी अगर देखें बात, तो बस बाकी सब चीज़ें का एक बार यहाँ पर पूरा जो वो किया हुआ है समराइज. तो यहां पर आपने देखो इस चैप्टर को क्विकली समराइज करें, तो मैं चाहता हूं आपको कुछ यहां चीजें नोट करो, क्योंकि ये चैप्टर इज मोर अबाउट पैटर्न्स एंड लेस अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड मोर अबाउट पैटर्न्स. तो देखो यहां पे पहले हमने शुरुआत की थी मैप देखने से. हमने मैप में देखा था जो कॉर्नर मोस्ट हमारे वेस्टर्न मोस्ट कौन सी जगहें हैं, या तो कागेंदोर भी मानते हैं या सोक तक हो, या अपने इंडिया में प्रेजेंट डे इंडिया में सुरकोतड़ा इज द वेस्टर्न मोस्ट प्लेस जो कि अपनी इससे इंडस वैली साइड से जुड़ी हुई है. तो उसके बाद हमने देखा कि टेराकोटा क्या होता है, हमने देखा कि पर्टिकुलरली फीचर्स क्या थे जो क्या क्या बनाया गया इंडस वैली में, हमने पहले कवर किया हुआ है. हमने प्लेसेस के नाम देखे और कहाँ पे आजकल वो लोकेटेड है. और हमने देखा कि पर्टिकुलरली स्टोन से क्या क्या चीज़ें बनती थी, और उनके में जो एक बहुत ही फेमस एक जो बस्ट ऑफ अ बियर्डेड प्रीस्ट है उसके बारे में कि शॉल भी यहाँ पर हमें लिया हुआ नजर आता है कि शॉल लिया हुआ है. ओके, उसके बाद यहाँ पे ब्रोंज कास्टिंग में लॉस्ट वैक्स देखा. लॉस्ट वैक्स कहाँ से आता है, हमने देखा टेक्निक देखी. और ब्रोंज कास्टिंग जो है इट्स अ कंटिन्यूस मेटल कास्टिंग, कंटिन्यूस ट्रेडिशन है दायमाबाद में, तो हमें चालकोलिथिक साइट भी हमें नजर आती है. और उसके बाद टेराकोटा के बारे में हमने जानने की ट्राई करी कि मदर गॉडेस की एक ही तरह की जो चीज़ बार बार नजर आती है शायद वो भगवान की मूर्ति थी. सील्स स्टेटाइट में बनाई जाती हैं एंड अदर फ्यू थिंग्स एम्यूलेट की तरह भी यूज हो सकती हैं शायद वो, और आइडेंटिटी कार्ड हो सकता है. अदरवाइज जो स्टेटाइट के बारे में जाना और बाकी जो चीज़ें थी उनके बारे में नाम देखा एक बार कि किस किस से सील बन सकती हैं. पशुपति सील के बारे में देखा हमने, और हमने देखा कि पर्टिकुलरली जो कि बहुत ही फाइन तरह से काटी गई हैं ये सील्स, तो ब्यूरिन के का भी शायद यूज़ हुआ है यहाँ पर. पॉटरी में देखा हमने प्लेन पॉटरी है एग्जिस्ट करती, और जो BPW है ब्लैक पेंटेड वेयर वो भी एग्जिस्ट करती है. पॉलीक्रोम रेयर है लेकिन एग्जिस्ट करती है. मिनिएचर वेसल्स यहाँ पर नजर आते हैं, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही ज़्यादा खास चीज़ है. और बीड्स एंड ऑर्नामेंट्स में जो दोनों ही सेक्सेस पहनते हैं, और हमने यहाँ पर जाना कि डेड बॉडीज के साथ भी बैरी की जाते थे ऑर्नामेंट्स. और चनूदार और लोथल के बारे में जाना, ये बीड फैक्ट्रीज थी यहाँ पर. लोथल के बारे में हमने कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी जाने, तीन चार वो आपके यहाँ आपको दिख रहे हैं. और उसके सिवा हमने यहाँ पे जाना कि जो पर्टिकुलरली जो अब जो कॉटन एंड वूल है ये इंडस वैली में काफ़ी कॉमन है. अमीरों के घर में बेटर वाले जो बनाने के जो तरीके हैं, और गरीबों के घर में थोड़े से चीप पॉटरी एंड शेल एग्जिस्ट करते हैं. और यहाँ पर अब बाकी फैशन को लेकर दे वर वेरी कॉन्शियस. सिनाबार जो कि मरकरी से जुड़ा हुआ एक कोई चीज़ है, स्टिक, कॉलीरियम, फेस पेंट एट्सेट्रा बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं. तो ये छोटा सा हमारा चैप्टर था, और इसमें कुछ छोटे छोटे टर्म्स आई. डांसिंग गर्ल के बारे में पता लगा हमें, डांसिंग गर्ल क्या होती है, मोहनजोदड़ो में मिली थी हमें, है ना, और कैसे खड़ी हुई है, बुल
और ये भी सब, ये देखो ये मेटल कास्टिंग है ये, और मेल टॉर्सो, पेंटेड अर्थन जार, मदर गॉडेस के बारे में जान सकते हो, थोड़ा सा रीड कर सकते हो क्विकली, और बस दैट्स इट, छोटी छोटी चीज़ें हैं। अब अपना अगला चैप्टर शुरू करेगा हम मौर्यन साइट्स के बारे में जानेंगे, मौर्यन साइट्स में क्या क्या कब कब कैसे कैसे मिला, बहुत ही छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, एक आधा चैप्टर बीच में बहुत बड़ा आता है, अदरवाइज आपके यहाँ पे जो रिटर्न देखें 2-2.5 घंटे में आपको एक या दो क्वेश्चन सही कर सकते हो आप, ठीक है दोस्तों। साथ साथ रीड करते रहो, बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए ज़रूरी है कि बार बार आप रिटेन करो एंड एक्सेल करो, ठीक है दोस्तों। मिलेंगे बहुत जल्दी, थैंक्स अ लॉट।